हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती महीनों से अटकी यह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बीच घनचक्कर बन गए हैं अभ्यर्थी। तो शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बीच ही घनचक्कर की तरह घूम रहे हैं। नए सरकार की गठन के बाद ही जूनियर हाईस्कूल भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो 25 तारीख को 25 मार्च को नए सरकार की गठन होने जा रही है, तब उसके बाद ही इसकी तारीख कोई डिसाइड होगी इस भर्ती का कि इसमें अब आगे की क्या प्रक्रिया है। प्रदेश सरकार ने जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया महीनों से अटकी पड़ी है। पिछले साल नवंबर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कई बार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अभ्यर्थियों को यह पूरी तरह से उम्मीद है कि नए सरकार के गठन के बाद ही अभी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तय यह है कि अगर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आगे नहीं बढ़ाई गई तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। अगर नहीं भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो छात्र आंदोलन शुरू करने के लिए भी तैयार हैं। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के तकरीबन 1500 पद और प्रधानाध्यापक के 300 पदों पर भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से पिछले साल अक्टूबर में परीक्षा कराई गई थी। 15 नवंबर को परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया और सहायक अध्यापक परीक्षा के लगभग 45,000 और प्रधानाध्यापक के 1700 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और इससे परेशान अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से अभ्यर्थी बहुत परेशान है और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब इसमें सरकार के नए गठन के बाद से जरूर कोई ना कोई तिथि निर्धारित अवश्य ही की जाएगी। सभी समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता से आज प्रकाशित किया गया है कि शिक्षक प्रधानाध्यापक की भर्ती महीनों से अटकी पड़ी है और शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बीच घनचक्कर बने हैं अभ्यर्थी। अगला अपडेट है UPTET के रिजल्ट से संबंधित कि UPTET का जो रिजल्ट है वह भी 25 के बाद ही आने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का जो परिणाम है 25 मार्च के बाद किसी भी दिन जारी हो सकता है और परीक्षा पिछली सरकार के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, लेकिन परिणाम जारी करने में देरी हो गई। अब यूपी की नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहा है। अब यूपी में नई सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है और सरकार गठन के साथ ही परीक्षार्थियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा और 25 मार्च को नई सरकार को शपथ ग्रहण के बाद नया मंत्रिमंडल बन जाएगा और यह प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की और तकरीबन 18 लाख परीक्षार्थियों को परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि CBSE ने 12वीं के सत्र 1 का जो परिणाम है उसे जारी कर दिया है। बोर्ड ने स्कूलों को भेजा बच्चों का जो प्रदर्शन है, सिर्फ थ्योरी के अंक ही इसमें बताए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड CBSE ने शनिवार को 12वीं सत्र 1 की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने बच्चों का प्रदर्शन स्कूलों को भेज दिया है और 50% पाठ्यक्रम के आधार पर हुई परीक्षा के तहत बोर्ड ने थ्योरी के अंक भेजे हैं, इसमें प्रैक्टिकल के अंक नहीं जुड़े हैं। बोर्ड के अनुसार अंतिम परिणाम सत्र 2 की परीक्षा हो जाने के बाद दोनों सत्र के आधार पर जारी किया जाएगा। सत्र परीक्षा जो है 26 अप्रैल से शुरू होनी है और कोविड राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं ओलंपियाड में भाग लेने के कारण टर्म 1 की परीक्षा नहीं देने वाले बच्चों का नतीजा जारी नहीं किया गया है। तो इस तरह से 12वीं की जो है सत्र 1 का परिणाम जारी कर दिया है और छात्रों के स्कूल में इसका पूरा जो प्रदर्शन कार्ड है उसे भेज दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।